तो हमारे साथ भी जो है ना वो यहाँ पे 800 रुपये लिया पॉपेट हो गया है, और 800 रुपये जो है ना वो हमारे एकदम 15 मिनट के अंदर ही। रीजन रीजन क्या था? एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वॉचिंग बींग अ ट्रैवलर। और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरी श्रीलंका की सीरीज़। आज है मेरा श्रीलंका में तीसरा दिन, और कोलंबो के पास निगोम्बो के अंदर मैं और अमित भाई स्टे कर रहे थे। तो आज जो है हम अपनी यहाँ पर पैकिंग शेकिंग कर रहे हैं। ये हमारा जो बैग शैग्स हैं इस टाइम सब कुछ यहाँ पे सामान बिखरा हुआ है। ये हमने बाइक जो है वो रेंट पे ली हुई है, जो हमें स्पॉन्सर किया है श्रीलंका बाइक रेंट डॉट कॉम ने। और इसके ऊपर हम अपना जो सामान है वो सारा पैक शेक करके अब निकलने लगे हम कोलंबो से टूवर्ड्स नॉर्थ साइड पे। तो नॉर्थ में यहाँ पे तो इसके बीचेस वगैरह थे जो आपने मेरी पिछली 3 एपिसोड में देखी हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे थोड़े माउंटेन एरिया आएंगे, थोड़ी सी ठंड ठंड भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का प्लान ये है कि हम एक थोड़ा सा इधर से जाएंगे पिनावाला, जहाँ पे थोड़े से एलिफेंट्स वगैरह शायद हमें नज़र आए, और उसके बाद हम एक इनकी जगह है केरोगला आई गेस, इस तरह का कोई नाम है, काफ़ी डिफिकल्ट नेम है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम जनाब जल्दी से पैकिंग करते हैं। अमित भाई सीन ओके है? परफेक्ट है, अभी ये बैग अपने यहाँ पे ठीक है। ओके जी, दो बैग्स जो हैं वो यहाँ पे कर दिया। तो गाइस पूरी ट्रिप पे मेरे को एक भी देसी बंदा नहीं दिख रहा था, मैं आपको बोलता रहता था, और आज फाइनली मेरे को दो बंदे मिले हैं, एक पाकिस्तान से और एक अपने चंडीगढ़ से, और दोनों यूट्यूबर हैं। तो मेरा लक आज काम कर गया शायद काफ़ी दिन के बाद। तो ये दो भाई हैं, एक ये भाई है लाहौर से। अरे मैंने अभी जब दिल्ली आना है इंडिया आऊंगा मैं वाघा बॉर्डर क्रॉस करके, हाँ, अमृतसर से, तो मैंने साहिल के पास मैंने आ जाना है। मैंने नहीं आने देंगे तो गड्ढे के अंदर ले जाएंगे, और तुम जाके सिंध देख के, और सिंध, हाँ, और मैंने सखर भी दिखाना है। सखर तो जाना है, बाकी करतारपुर तो हमारे लिए इजी है, करतारपुर तो होना है, हां करतारपुर मिल सकते हैं वहां, बिल्कुल। मैं देख रहा था भाई YouTube होता गया है, देखूं तो सही करते कैसे लोग, आज देखने को मिल गया कि भाई दोनों भाई रात रात जाग रहे हैं और ये वीडियोस एडिट कर रहे हैं। करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट कंट्री आपके साथ भी हम जा रहे हैं। बिल्कुल। लो जी सामान हो गया रेडी, और कुछ दो बैग्स हमारे नीचे आ गए हैं, यहाँ पे सेटिंग कर लिया। ये बैग जो है अमित भाई पहन लेंगे पीछे, और हमारी सेटिंग हो गई है। लो जी थैंक्स टू वली मॉल वंस अगेन, मुझे इन्होंने गर्मी के लिए साथ भाई ने ये भी ग्लव्स दे दिए, और साथ इधर मैंने अब ये अपने नी और एल्बो के जो गार्ड्स हैं ये भी पहन लिए हैं वली मॉल के। पैकिंग हो गई है, हमने 1 घंटा लगाया ये सब कुछ पैक करने के अंदर। हाँ जी, हमने गम्बो से अब फाइनली निकल पड़े हैं, बड़ी लेट निकले हम 1:15 बजे। असल में पहला दिन जो बाइक पे सामान लगाने का होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिले लेता है। अब हमारा सही जर्नी स्टार्ट हुआ है, हम जो अब श्रीलंका के मैप में आप जो देखते हैं आई ड्रॉप बना हुआ है, अब उसके ऊपर हम जाने लगे हैं नॉर्थ साइड के ऊपर। तो अब थोड़ा सेंटर की तरफ जाएंगे पिन्ना वाला। अब आप अगर ये गूगल मैप्स में देखें, यहाँ से आलमोस्ट हमें दिखा रहा है 2 घंटे। ये चेक करें अमित भाई, रिजॉर्ट चेक करें आप। ओहो हो तो जी निगोम्बो बीच देखो एक दफ़ा फिर आ गया हम, काफ़ी होटल रिजॉर्ट्स ख़त्म हुए हैं। तो ये इनकी ना फ़िश मार्केट शायद आ गई है, यहाँ पे मछेरे वगैरह भी हैं, और हमें इधर अब ज़रा अच्छा ये मेरे, हाँ ये मेरे ख्याल मुस्लिम एरिया है। यस ये देखें यहाँ पे सारे दाढ़ियों वाले हैं, और इनके टोपियाँ शोपियाँ लोगों ने पहनी हुई हैं, और आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी आ गई है। और ये देखें ये मस्जिद भी आ गई है अपने कब्बों के अंदर। टाइम तो वैसे 1:30 बज गया है। अमित भाई नमाज पढ़ लूँ? ओके भाई ये मस्जिद है, मस्जिद का आपको थोड़ा सा राउंड करा देते हैं, और ये है इनका वज़ू खाना, और जितने भी ये कंट्रीज़ हैं ना यहाँ पे खड़े होके वज़ू किया जाता है। ये आप देख रहे हैं बैठने की जगह नहीं होती, बस आप नलका खोलते हैं और खड़े होके वज़ू करते हैं। वज़ू मैंने कर लिया, और ये मस्जिद है यार काफ़ी बड़ी बनी हुई है। ये अंदर पिलर है, दिस इज़ द मॉस्क।
लो जी नमाज पढ़ ली हमने श्रीलंका की भी सरजमीन पे। ये बड़ा मज़ा आता है हमें दूसरे मुल्कों में जाके नमाज पढ़ने का। अपने मुल्क में तो बंदा पढ़ता ही है, लेकिन क़यामत वाले दिन जब ये जगह भी हमारी गवाही देंगी तो इसका एक अपना ही मज़ा होगा। खैर चलते हैं भाई आहिस्ता आहिस्ता, रोड्स को मैं इंजॉय करवा रहा हूँ। आज ज़रा धूप है, कल तो बहुत फिट वेदर था। रुकते हैं ना तो फिर ज़रा गर्मी लगती है, लेकिन सीधा जाते जाओ तो ठंडी ठंडी हवा लगती है क्योंकि सी साइड है आपकी, तो वो बंदा साथ साथ इंजॉय करता रहता है। ट्रैफिक पुलिस बड़ी ख़तरनाक है यार, कल इन्होंने बड़ा तंग किया हमें। चलान हमारा होते होते जो है ना हसाम और मैं जब जा रहे थे खाना खाने उधर फूड फेस्टिवल में, तो बड़ी बचत हुई है हमारी। मेरा ख्याल है हम अपने गंबो से बाहर निकल आए हैं और अब रोड जो है ना थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है। खूबसूरत है यार, ग्रीनरी जहाँ पे भी होगी ना आपको खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगी। लो जी हम रुके थे, हमने कहा नारियल ही ट्राई कर लेते हैं, इतना ज़्यादा तो नारियल है यार हर जगह। आप देखें कि यहाँ पे आपको नारियल ही नारियल नज़र आता है ऊपर हर जगह, वो देखें ऊपर वहाँ 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 हर जगह ये नारियल ही लगा हुआ है। अच्छा थोड़ा कच्चा कच्चा होता है ऊपर, वाइट वाइट होता है। हमारे पास ना कट के इसका अंदर वाला पोर्शन आता है। ओके इसमें स्ट्रॉ लगेगा। मेरा ख्याल है कोई 250 ml से ज़्यादा है। अच्छा खासा पानी है, अच्छा खासा पानी है इसमें। इसको काट रहे हैं। ओके ये है हमारा स्पून बनाया इन्होंने। बिल्कुल मलाई की तरह है ये। असल में ये हार्ड नहीं हुआ हुआ अभी, बिल्कुल नरम मुलायम है। ये देखो यार मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। क्या मलाई की तरह अंदर कोकोनट थी। अब ये समझ आई है कि जो येलो वाले होते हैं ना बिल्कुल लेटेस्ट, इसके अंदर पूरा का पूरा पानी होता है पहले फुल टाइम। ये कोकोनट जो होता है इसके अंदर पूरा का पूरा खोल के अंदर पहले पानी होता है। अमित भाई होते हैं ऐसे नारियल के, मेरे ख्याल आपके केरला साइड पे होते होंगे है ना, केरला हाँ साउथ इंडिया सेम यही है यार। थोड़े थोड़े जैसे ही बादल आते हैं ना तो साथ ही ठंडी या खवाना शुरू हो जाती है, सीन ही चेंज हो जाता है पूरा। उसकी वजह यह है कि आपकी दोनों तरफ पहले ही जो है वो सब्ज़ा इतना ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ना ठंडी ठंडी हवा ऑलरेडी आपका वेट कर रही होती है, सिर्फ धूप गायब होने की देर होती है। यार अमित भाई क्या रोड है। अच्छा ये बताएं आपके इधर पंजाब में और ये दिल्ली साइड पे भी ऐसा सब्जा है या बस वही धुआं शुआ ही है? खेतों वाली है ये वाली नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड यार, पता नहीं आप लोगों को देख के कितना मजा आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन भाई इस टाइम जो मुझे ड्राइव का मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे, ओह हो कमाल। दोनों तरफ ग्रीनरी, मुझे याद आ रहा है अपना इंडोनेशिया बाली में मैं जब चलाता था ऐसे, उसके भी दोनों तरफ ऐसी ग्रीनरी आती थी, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ही आती है यार। बंद है ट्रैफिक, अरे वो फाटक है। अमित भाई ने बताया कि इंडिया में जो नॉर्थ साइड है दिल्ली वगैरह पंजाब, यहाँ पे गोलगप्पों को गोलगप्पे कहा जाता है, साउथ में और मुंबई में जो है इसको पानीपुरी कहा जाता है, और पानी बताशे कहाँ पे कहते हैं? यूपी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सेंटर में आता है, सेंटर में जो है ना गोलगप्पों को पानी बताशे कहते हैं। और ये हम इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा इस वक्त जो है गोलगप्पा खाने का बहुत दिल कर रहा है, और पहले पीछे में नज़र आते रहे हैं और अब जब खाने की तलब बहुत बढ़ गई अब कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हमें। लो जी अब हम मज़ीद जंगल के अंदर एंटर हो गए हैं और गूगल मैप अमित भाई ने लगाया हुआ है, बस मैं स्लो स्लो ही जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डेंस है और पतली सी रोड है, हमें कोई सामने से आ ही ना जाए।
या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने हमें इतनी तौफीक दी कि हम तेरी दुनिया देख रहे हैं। आए हाय हाय हाय। ऑलराइट, तो हम पहुंच गए हैं पिन्ना वाला। ये जू तो नहीं है? ये देखो, ये पिन्ना वाला ट्रेडिशनल विलेज है कोई? ये पिन्ना वाला थीम पार्क है? हैं, पूछ लो। हाँ, एलिफेंट ऑर्फनेज किसे पूछें? ओके जी, अब हम पिन्ना वाला आ गए हैं। और पिन्ना वाला फाइनली हम बड़ी देर से पहुंचे हैं यार। कितने बजे पहुंचे हम? 5 बजे पहुंचे, 6 बजे, 5:30 बंद हो जाता है। सीधा चलें? अच्छा, जैसे ही आया ना तो इधर अब काफ़ी कुछ रहने वाली जगह भी आ गई हैं, रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, तो इधर काफ़ी लोग आते हैं। ये कुछ रहने की भी जगह हैं, रेस्टोरेंट, खाना पीना नज़र आ रहा है काफ़ी। हाथी शाथी भी नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये हाथियों का यतीम खाना है एलिफेंट ऑर्फनेज, ये है मेरे ख्याल है ना? नहीं, ये सारे कैफेज़ हैं, होटल हैं, रूम्स हैं, और ये है शायद, आई गेस। ओके जी, तो 60 कंट्रीज़ जो हैं उनकी 800 रुपीज़ की टिकट थी, और बाकी जितने भी अगर फॉरेनर्स हैं उनकी 3000 की थी, और अगर आप लोकल हैं तो शायद मेरे ख्याल 200 की टिकट थी रुपीज़। तो चलते हैं अभी, क्योंकि कोई 15-20 मिनट ही रह गए हैं। एलिफेंट ऑर्फनेज देखते हैं, यहाँ पे कुछ एलिफेंट्स हैं और इनका ओपन ज़ू भी है। तो ओपन ज़ू जो है वो कह रहा है अब क्लोज़ हो गया हुआ है, और प्लस ये कह रहा है कि अभी अगले महीने जो है वो टिकट मज़ीद बढ़ने वाला है पाकिस्तानियों के लिए। अभी 800 था, तो इंडिया पाकिस्तान के लिए भी 1200 हो जाएगा। ये पहला एलिफेंट आ गया है, और इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे, राजा, राजा शेड है। अच्छा, ये एक एलिफेंट ये खड़ा है, और एक सामने ये खड़ा है। इसके दांत चेक करो। तो ये है ट्रू पिक्चर के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और ये मैंने वैसे पहली दफ़ा इतने लंबे दांत देखे हैं यार, बिल्कुल सींग की तरह है। और उसका आगे से उसके दांतों ने जो है ना वो रास्ता भी बंद कर दिया हुआ है, खाने का सूंड उसके आगे नहीं आ सकती। अच्छा जी, ये वाले भाईजान जो हैं किसी मनोरंजन के मूड में, इनका डांस चल रहा है इस वक्त, आई डोंट नो। और इधर भी खाना चल रहा है। तो ये इनका है मेन पार्किंग एरिया, सारे इधर खाना खा रहे हैं। ये एक ही लाइन में इस वक्त कोई 25-30 एलिफेंट्स एक ही लाइन में यहाँ पे खड़े हैं। हाउ डू यू से एलिफेंट इन सनाला? अलिया अलिया इज़ एलिफेंट इन सिन्हला। यार अमित भाई, आपने इंडिया जाके ना आलिया भट्ट को बता देना, मैं बोल दूंगा जाके उसको कि भाई सिन्हला में आलिया भट्ट जो है ना वो आलिया भट्ट हटा दो, आलिया मतलब एलिफेंट भट्ट हतनी वो बेचारी जितनी स्मार्ट है। जितने भी एलिफेंट इधर हैं, इन सब का जो वेट है ना ऑलमोस्ट 4,000 से 5,000 kg है, 4,000 से 5,000 kg। और ये उन्होंने लिखा हुआ कि सेमी वाइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड भी नहीं है। और चेन्स भी इसलिए बांधी जाती हैं कि अगर ये भागना चाहें तो इनकी नेक के साथ इन्होंने किसी तरह जोड़ा हुआ है कि वो खुद ही अपने आप को थोड़ी सी पेन दे और रुक जाए, भागे ना यहाँ से। अच्छा, अभी सीन ये है कि बस यही एलिफेंट ही थे। 800 रुपया लगा है हमारा पाकिस्तानी, 700 रुपया ऑलमोस्ट पोपट हो गया ये हमारे साथ पोपट हो गया। साहिल हमें मिला था ना सुबह जो अपने होटल में। सीन ये हुआ कि यार वो भी दिल्ली से था हमारा दोस्त एक, तो उसके साथ भी 2-3 जगहों के ऊपर ना काफ़ी पोपट हुआ। तो बेसिकली धोखे का वो कहता है पोपट हो गया, तो हमारे साथ भी जो है ना वो यहाँ पे पॉपट हो गया है। और 800 रुपये जो है ना वो हमारे एकदम 15 मिनट के अंदर ही। रीजन क्या था 800 रुपये लेंगे, क्योंकि हम दूर से चल के आए, हमारा क्या नहीं लगा। हाँ,
एक तो पूरा दिन हम राइड करके आए तकरीबन, हमने 4 घंटे राइड किए। खैर हम तो एक्सप्लोर कर रहे थे श्रीलंका को डिफरेंट। ये तो असल में एक बहाना था यहाँ पे पहुँचना, इसकी वजह से हम बहुत से इनके डिस्ट्रिक्ट्स और बहुत सिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर करके आए, इनका कल्चर देखा है, काफ़ी जगहों पे जो है इनके स्टॉल से कुछ खाया पिया भी है। लेकिन इधर आके पोपट ये हुआ कि 800 रुपये की टिकट थी और हार्डली 2 मिनट के अंदर ही हमने वॉक की है और कोई 25-30 एलिफेंट्स इकट्ठे ही बस खड़े हुए थे। कोई करता भी नहीं दिखाया यार, कोई करता भी खड़े होकर दिखाते थे। हाँ अच्छा, ये क्या लिखा हुआ जी, ट्रेडिशनल महावत एंड टूल्स। अच्छा क्या होता है मेरे भाई? महावत एक्चुअली महावत, महावत ट्रेडिशनल महावत है। देखिए महावत देखने में ऐसे लगते हैं, महावत के हाथ में जो आप देख रहे हैं स्टिक, इसको कहते हैं अंकुश। ये अंकुश एक्चुअल में ऐसा दिखता है, अंकुश यानी कि सोटी है, सोटा है जो हाथी को पड़ता है, इससे ज्यादा है सोटी, ये है, ये स्टिक है। तो सोटी तो मार ही सकते हो ना, लेकिन अंकुश का क्या रोल है कि ये हाथी को पूरे अंकुश यानी कंट्रोल में रखता है। अंकुश का इंग्लिश में वर्ड है कंट्रोल, पूरे कंट्रोल में रखेगा। अंकुश हिंदी वर्ड है या अंकुश हिंदी संस्कृत वर्ड है, अंकुश हिंदी में भी हम यूज करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये तो कान होता है नाजुक, ये आप मोड़ के जो रखा है ना, तो कान नाजुक होता है हाथी का, सबसे नाजुक हिस्सा है, नाजुक हिस्सा सबसे ज्यादा कान है। तो इसको कान में यूं फंसा के खींचते हैं ना, तो उसको दर्द होती है और फिर एकदम से कंट्रोल में आ जाता है। अंकुश उसको राइट लेफ्ट मोड़ लेता है, जिस तरफ कान पे लगा दोगे उसको समझ आएगा कि भाई दर्द इधर है तो चलो इस तरफ। हाँ एक ये है सामने इस जगह पे स्टिक, ये क्या है, ये गर्द, ये वाला देखो चुभती है, तीखे आए यहाँ पे। तो बिल्कुल गर्दन के पीछे जो हमारी गुद्दी होती है सॉफ्ट है, मार दो तो बंदा मारने का बड़ा मजा आता है, बस बेहोश हो जाता है, उड़ जाएगा वो। तो हाथी का भी ये हिस्सा सबसे सॉफ्ट है, तो अंकुश को यहाँ दबा के दबाते थे उसे, तो इससे वो समझ जाता था इशारा, हल्का सा दबाओ समझ गया इस तरफ मुड़ना है। बचपन से ट्रेन करते थे ना, तो ये दो चीजें यूज होती थी। तो अब हमें नहीं पता आज हमने रात कहाँ पे ठहरना है, कोई मस्कन देखते हैं यहाँ पे अभी, हाँ कहीं पे इंटरनेट मिलता है तो देखते हैं booking.com पे और फिर अपने होटल चल के आपसे मिलते हैं, बल्कि कुछ खाना भी खाना है यार, देखते हैं यहाँ पे क्या खाने को मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं, फिर जाएंगे हम अपने कमरे में। पोपट के आगे अब निकलने लगे हैं और जा रहे हैं हम अब अपना कोई हॉस्टल देखने। एक हमें एडन लॉजेस के नाम से नज़र आया booking.com पे, सस्ता सा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वाईफाई मिल जाए यार, हमने एडिटिंग करनी होती है अपनी एपिसोड्स की। और जी हम अब गांव के अंदर पूरा एंटर हो चुके हैं, ये बुद्धिस्ट स्टूपा आ गया है, ये मेरे ख्याल है इनका लंगर वाली जगह। किसी पतली गलियों के गांव के अंदर जा रहे हैं और इधर को एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना हुआ है, देख रहे हो, देख रहे हो, इधर तो नहीं जाना, देखो ये विलेज लाइफ आपको देखने को मिल रही है अमित भाई, वो आ गया बोर्ड हिडन लॉजेस, ये है लेफ्ट पे है, आई थिंक यस। और यो फाइनली पिनावाला में हमें ये एडन लॉजेज का एक तो गेस्ट हाउस टाइप के लॉजेज बने हुए यहाँ पे मिल गया, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे छोटे से रूम्स हैं और पीछे अगर आप देखेंगे पूरे राइस फील्ड्स हैं और मुझे इस बालकनी पे खड़े होके जो सीन यहाँ पे लग रहा है वो बिल्कुल जो कश्मीर में मैं लीपावली में गया था बिल्कुल वही सीन लग रहा है। अगर आप पीछे वहाँ पे देखेंगे सामने वो उस तरफ देखें तो पीछे सनसेट हो रहा है और जब सुबह होगी अर्ली मॉर्निंग तो वो जो आप पीछे माउंटेन नज़र आ रहा है यहाँ से सनराइज़ होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अभी बस हम जल्दी से फ्रेश होते हैं, रूम के अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको यार, ये रूम है हमारा, सामान अमित भाई भी ले आए हैं, मैं भी कुछ ले आया हूँ, तो अच्छा रूम बना हुआ है। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी खाना खाने जाना है हमने, ठीक है फ्रेश होते हैं फिर कहीं खाना खाने लेके चलते हैं। ओके जी फाइनली होटल जो एडन लॉजेस था वहाँ पे चेक इन करके थोड़े से रेस्ट करने के बाद फ्रेश होने के बाद हम आ गए हैं, ये इनका टाउन है पिनावाला का जहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें एक दो फूड की आउटलेट्स मिली हैं, भूख हमें शदीद लग रही है, अनबर्दाश्तेबल पॉइंट पहुँच चुका है हमारा। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक तो पहले फ़ूड ढूँढना है फिर उसमें हलाल भी ढूँढना है, तो लेट्स सी क्या क्या इधर बना रहे हैं यार। ये इधर एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है यार, ये ना ये कोई राइस का शायद होता है, इसका पापड़ सा, उसके अंदर अंडा डाल के देते हैं, ये दाल के कोई लड्डू हैं, ये सब्जी वाला है समोसा टाइप मैदे के अंदर वो जो हमने खाया था कोलंबो में। अच्छा यार मैं उनका फूड आपको दिखा रहा था और कल से मैं ट्राई करूँ जो इनकी बड़ी फेवरेट डिश है यहाँ पर कुट्टू के नाम से, कुत्तू है या कुट्टू है
तो हसाम ने मेरे साथ जो है पिछले दो दिन पहले वो मुझे बता रहा था कि यार उसने खाई है बड़ी मज़ेदार है। बेसिकली रोटी के छोटे छोटे ये पीस कर देते हैं और उसके अंदर ही कुछ चिकन चिकन मसाले शसाले वेजिटेबल डाल के साथ साथ जो है ना वो मिक्स करके ना एक कुटकुटैया घर के ना टकाटक बना के आपको दे देते हैं। लेकिन चिकन इनके पास हलाल नहीं था। दिस इज़ पोर्ट फ्राइड राइस, ये है पोर्ट कुट्टू भी है, ये पूरा है तीनों 550 में। कोत्तू पाकिस्तान या मुस्लिम इमरान खान या इज फ्रॉम इंडिया yeah and we both are friends yeah, very dangerous very dangerous this is all zabiha okay great ye hai bhai biryani ka pot kotu okay kotu is making here okay ye inka kitchen hai ye dekhenge rice ka bada zabardast unka pyala hai aur kotu okay this is kotu okay we want one kotu ab ye basically kya hai can you show some here okay ये टकाटक चल रहा है। ये बेसिकली जो है इनका है वही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मैदे की रोटी के और इसको ये टुकड़े कर देते हैं। इसमें यू हैव एडेड सम वेजिटेबल्स एंड सम स्पाइसेस स्मॉल स्पाइसी ओके एंड दिस इज चिकन ओके चिकन इज मिक्स्ड एंड हाउ यू सर्व इट विद सम सॉस और नो सॉस ड्राई सोया सॉस ओके ओके हो गया। सो दिस ये है देखो यार ये है बेसिकली ये रोटी के जो टुकड़े हैं ना ये पड़े हुए हैं ऑलरेडी। ये देखो ये मैदे की वो जब हमारा सॉफ्टी सॉफ्टी पराठा नहीं होता बेसिकली ये छोटे छोटे रोटी के टुकड़े हैं। ओके दिस इज ऑयल, इन्होंने अभी थोड़ी सी वेजिटेबल ली है और उसके अंदर इन्होंने एग डाल दिया है। ओह ओ माय गॉड ओ दादरी मिर्च ओए 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 यार ये तो इसने क्या किया है यार। ओह हो हो ये दादरी मिर्च डाली है इसने, लाल मिर्च अन्नी मचा दी है, ये तो चिकन निकालेगा मुझे लग रहा है। अच्छा ये बेसिकली ना अभी नूडल्स जो राइस नूडल्स है ना ये उनके लिए कुछ बना रहा है मुझे लगता है मेरा कोतू ऑलरेडी। दिस इज राइस स्टिंग होपर्स ओके ये क्या होता है भाई मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है किसी को? दिस इज आल्सो कोतू दिस इज कोतू स्टिंग होपर्स कोतू ओके ओके पता नहीं क्या है यार मुझे समझ नहीं आया मैंने ऑफर कह दिया। इसको भी टकाटक कर रहा है। चलें जी मेरा ख्याल है रेडी हो गया, अब सर्विंग कराते हैं और बैठते हैं उधर और खाते हैं जी कोतू। ऑल राइट जी हमारा आ गया है कोतू और कोतू को अगर आप अब क्लोजअप में देख लें ज़रा क्या क्या है यार यहाँ पे। मैंने इनसे सॉस भी मंगवा लिया है, दिस इज चिकन ग्रेवी एंड ओके ये केचप दिया इन्होंने साथ में। अब ये देखें यार ये वो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था अंदर किचन में ये टकाटक सा है, रोटी लालो लाल हो गई है और उसके साथ ही इसमें चिकन मिक्स है, चिकन का भी इन्होंने टकाटक बना दिया है। और यार ये क्या है? अच्छा ये मिक्सचर ही लिया है, मुझे नहीं पता इसमें अब चिकन आया या नहीं आया, कि रख लूँ एक चिकन स्पेशल रख लेता हूँ। स्पाइसी है और जो रोटी है ना बेसिकली वो आप यूँ समझ लें जो हमारा नरम वाला पराठा नहीं होता ऑयल वाला, बेसिकली वो इतना वो नरम पराठा है वो क्या कहते हैं यार वो जो आप बनाते हैं फुल्का फुल्का नहीं और जो डोसा उससे मिलता जुलता है और ये आटे का बना है। नहीं ये मैदे का है, ये मैदे का है, ये मैदे का पराठा है। पराठे को चिकन को और शायद पता नहीं अंदर क्या इसने कुछ सब्जियां भी डाली हैं, एग भी डाला हुआ है, हाँ एग भी है, ये एग भी डाला है। सारी चीज़ें मिक्स करके ना ये बाकी कुछ मज़े की चीज़ बन गई है। बेसिकली रोटी खाने का एक नया अंदाज़ है टका टके रोटी का यार, ये हम जाके ना पाकिस्तान में भी स्टार्ट करेंगे। चले जी अब हम खाते हैं। यहाँ पे आज का ब्लॉग हो गया ख़त्म। आज के एपिसोड में हमने बड़ी बागडोर की है,
बाइक लेके निकले हैं। आज हमने टोटल ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट कोई 100 किलोमीटर के करीब हमने आज ट्रैवल किया और पिन्नावाला में हम पहुँचे। सुबह इंशाल्लाह हम पिन्नावाला से निकलेंगे और जाएंगे टुवर्ड्स दम्बोला। दम्बोला में हमारी एक्टिविटी एक प्लान है, बड़े अच्छे कंपनी ने हमें एक स्पॉन्सर की हुई एक्टिविटी, वो आपको देखने को मिलेगी कल या परसों के एपिसोड में अंदर। हम खाना खाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए थे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को मज़ीद शेयर भी करना। आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आपने अगर लाइव स्टोरीज़ देखना चाहते हैं इस पूरे ट्रिप की, तो इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना है। मैं सारी स्टोरीज़ उस पर लगा रहा हूँ। तो आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड।